दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिग बॉस के आज के एपिसोड में यानी कि संडे के वीकेंड के बारे में आप लोगों को क्या देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, वैसे तो घर के अंदर काफ़ी फन वाला और काफ़ी मस्ती वाला टास्क होगा जिसको कि सभी घर वाले इंजॉय करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद दोस्तों घर के अंदर एंट्री होगी छोटी सरदारनी के, जो कास्ट एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनका एंट्री होगा, सरबजीत का एंट्री होगा। उसके बाद जो है ये सारे फन वाले टास्क किए जाएंगे। दोस्तों, जब छोटी सरदारनी के कास्ट यानी कि एक्टर एक्ट्रेस चले जाएंगे उसके बाद मुंबई इंडियंस की एंट्री होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये सारा का सारा शूटिंग जो है ये दुबई से होगा। दरअसल दुबई में अभी मैचेस चल रहे हैं तो मुंबई इंडियंस जो है काफ़ी मस्ती करने आने वाले हैं बिग बॉस के शो पे। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पांड्या जी हैं वो पूछते हुए नजर आएंगे रूबीना और अभिनव शुक्ला को कि आप दोनों में से कौन किसको रन आउट करेगा, यानी कि कौन किसको पीछे छोड़ देगा बिग बॉस के शो में यानी कि खेल में। तो दोस्तों, यहाँ पे रूबीना जो है कहती हुई नजर आएंगी कि इसका मतलब क्या होता है, रन आउट का मतलब क्या होता है, उनको मतलब ही नहीं समझ में आएगा। तो इसी पे सब लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि जो जैस्मीन है वो भी काफ़ी बातचीत करती हुई नज़र आती हैं और काफ़ी मस्ती करती हुई नज़र आती हैं मुंबई इंडियंस के सभी खिलाड़ियों के साथ और सलमान खान के साथ, और वो तो क्यूट हैं ही, आप सभी को तो पता ही है। दोस्तों, उसके बाद सबसे मुश्किल घड़ी ये आएगी कि जो सीनियर्स हैं उनको ये डिसाइड करना होगा कि आखिरकार सबसे ज़्यादा खतरनाक कंटेस्टेंट यानी कि सबसे ज़्यादा लेजी कंटेस्टेंट घर के अंदर कौन है और क्यों है। तो दोस्तों, इसमें सभी लोग रूबीना को टारगेट करते हुए नज़र आएंगे, जहाँ पे हिना खान जो है वो कहती हुई नज़र आएंगी रूबीना को कि रूबीना काफ़ी ज़्यादा होशियार बनती हैं। वहीं अगर बात करें गौहर खान की तो गौहर खान कहती हुई नज़र आएंगी रूबीना को कि रूबीना जो है वो अपनी बातों को रख नहीं पाती हैं और रूबीना जो है क्लियरली कोई बात कर नहीं पाती हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें सिद्धार्थ शुक्ला की तो सिद्धार्थ शुक्ला भी रूबीना को कहते हुए नजर आएंगे कि रूबीना ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, उनको कुछ समझ में आता नहीं है, बस बोलती रहती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है कहती हुई नजर आएंगे सारे सीनियर्स। दोस्तों, उसके बाद होने वाला है गुब्बारा टास्क, जहाँ पे एक दूसरे का गुब्बारा फोड़ा जाएगा और उनकी गलतियाँ बताई जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला मौका जो है निशांत को मिलेगा और जो निशांत हैं वो राहुल वैद्य का गुब्बारा फोड़ते हुए नजर आएंगे और निशांत कहेंगे कि राहुल वैद्य को लगता है कि यहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है, यहाँ पे हमेशा गाना गाते रहते हैं, और राहुल वैद्य जो हैं वो निशांत का गुब्बारा फोड़ते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी का गुब्बारा फोड़ोगे तो दूसरा वाला भी आपका गुब्बारा फोड़ेगा, तो ये लोग एक दूसरे का गुब्बारा फोड़ते हुए नजर आते हैं। उसके बाद दोस्तों सिर्फ निक्की तंबोली जो है कन्फर्म्ड रहती हैं घर के अंदर जाने के लिए, बाकी सभी के सदस्य यानी सभी के सभी सदस्य जो हैं वो नॉमिनेटेड रहते हैं और घर से बाहर जाने के लिए रेडी रहते हैं। अब दोस्तों, आपका क्या है कहना इस बारे में और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें बॉलीवुड बाजार ताकि आपको हर अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।